सरकार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के कई लाख दावे करती है। स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही ये दावा करता है कि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या विभाग में नहीं है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की असलियत आपको जानना है तो आप रामबन के नज़दीक चंद्रकोट के इस प्राइमरी हेल्थ केयर ज़रूर पहुंचिए। दरअसल यहाँ पर खाली कुर्सियों के सहारे ही ये प्राइमरी हेल्थ केयर चल रहा है। यहाँ ना ही कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर हैं तो वो पिछले 2 महीने से छुट्टी पर है, कोई उनका अल्टरनेटिव यहाँ पर नहीं दिया जाता है। मरीज़ परेशान हाल हैं, बेहाल हैं, और स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। सरकार जहां एक ओर लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा करती आ रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहाल है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है, खाली कुर्सियां, इमारत खस्ता हाल, और इधर उधर नजर घुमाएं तो आपको ये समझ ना आए कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है या कुछ और। दरअसल ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नजदीक चंद्रकोट के प्राइमरी हेल्थ केयर की हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले कई महीनों से सिर्फ खाली कुर्सी के सहारे ही टिका हुआ है। यहाँ ना तो कोई सुविधा है और ना ही कोई व्यवस्था, यहाँ है तो सिर्फ अव्यवस्थाएं। दरअसल जब हम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, कुर्सियां खाली पड़ी थी, मरीज परेशान थे, इलाज के लिए उनके आसपास कोई भी सफेद पोश नुमाइंदा मौजूद नहीं था। कहना चाहते हैं कि कम से कम हमारे चंद्रकोट के अंदर भी देखा जाए, यहाँ कोई गवर्नमेंट का दायरा नहीं है, इस हॉस्पिटल को थोड़ा देखा जाए, यहाँ इमरजेंसी बेड होने चाहिए, दवाई होनी चाहिए। कोई कैजुअल्टी होती है हमको या तो रामबन जाना पड़ता है, वहाँ से फिर एकदम रेफर कर देते हैं जम्मू के लिए छोटी मोटी बातों पर। यहाँ अच्छे बेड होने चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि रोड के किनारे पे है, और ये हॉस्पिटल जो है सबके लिए बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब हमने यहाँ हाजिरी का रजिस्टर देखा तो पता चला डॉक्टर साहब और फार्मेसिस्ट पिछले 2 महीनों से ज्यादा के समय से गैर हाजिर है। फार्मेसिस्ट के छुट्टी ऑर्डर के अनुसार 1/2/2017 से 1/4/2017 के बाद उनको ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक वो अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं है, जो दर्शाता है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को। ये कागज इस विभाग की पोल खोलते हैं। दरअसल ये सोचते हैं कि यहाँ कोई आता नहीं है, इस वजह से प्रशासनिक अधिकारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिन ब दिन सामने आती है, और अब जब ये मामला सामने आया है, ऐसे में ये मामला सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। हमारे जो चंद्रकोट की न्यू टाइप एसी है, वहाँ पे हमें एक फार्मासिस्ट और 2 फीमेल मल्टीपर्पज हैं, वहाँ का वर्क डन अच्छा आता है। डॉक्टर के लिए हम सोचेंगे, अभी हमारी इसने पब्लिक सर्विस कमीशन से पोस्टें निकली हैं, तो किसी ना किसी को हम ज़रूर वहाँ पे पोस्ट करेंगे। वहाँ पे लोगों की डिमांड है, जो वहाँ पे डॉक्टर है ऑलरेडी उसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा है थोड़ी देर के लिए, जो हमें वहाँ पे फिजिशियन आ जाएगा तो हम उसको रिमूव करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से गैर हाजिर फार्मेसिस्ट का कोई विकल्प तैयार क्यों नहीं किया गया? आखिर स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है, जब पिछले 2 महीने से फार्मेसिस्ट और डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं, तो इन मरीजों की देखरेख के लिए किसी को नियुक्त क्यों नहीं किया गया? अहम सवाल ये भी है, इन सब मसलों पर स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत कुंभकर्णीय नींद सोते दिख रहे हैं, इसलिए वक्त इंडिया पूछता है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब आप क्यों नहीं जाग रहे?
स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत साहब, आपने इस मामले में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर पिछले 2 महीने से ज्यादा के वक्त से गैर हाजिर डॉक्टर के लिए कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं नियुक्त किया गया? और वक्त इंडिया ये भी सवाल करता है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब, अब तो जाग जाइए और अपने विभाग के हाल पर नजर भी डाल लीजिए। वक्त इंडिया के लिए रामबन से शुभम अंथल की रिपोर्ट।